नमस्कार एएमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सूर्य तपस्या के दूसरे दिन खरना के तहत व्रतधारियों ने निर्जला व्रत रखकर ग्रहण किया खीर रोटी का प्रसाद। विधि विधान से छठी मैया को याद कर मनाया गया खरना। कल अस्ताचल गामी सूर्य को दिया जाएगा प्रथम अर्घ। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया जमशेदपुर में 3 छठ घाटों का उद्घाटन। इन नए घाटों को अत्याधुनिक रूप देकर बनाया गया है आकर्षक। यहां व्रतधारियों को मिलेगी तमाम सुविधाएं। लोक आस्था के महापर्व के तहत कल भगवान भास्कर को दिया जाएगा पहला अर्घ। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। घाटों की साफ सफाई, विद्युतीकरण तथा शौचालय और चेंजिंग रूम की गई है व्यवस्था। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा विभिन्न छठ घाटों को दिया गया है आदर्श घाट का रूप। स्वच्छता ही सेवा, इस नारे के साथ स्वच्छता का संदेश देते हुए किया जा रहा है लोगों को जागरूक। घाटों को बनाया गया है आकर्षक। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को लोक आस्था के महापर्व का दूसरा चरण खरना पूजा विधि विधान से मनाया गया। सभी छठ व्रतधारियों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ खरना की पूजा की और उसके बाद लोगों के बीच खरने का प्रसाद वितरित किया। लोगों ने भी छठी मैया को नमन करते हुए खरने का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व दिन भर सभी छठ व्रतधारी खरना पूजा की तैयारियों में जुटे रहे। सभी अपने अपने घरों में दिन भर खरना पूजा की सामग्री तैयार करने में लगे हुए थे। कल गेहूं और चावल धोने और सुखाने के बाद आज महिलाएं ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाने में जुटी हुई थी। इसके अलावे घर के अन्य सदस्य बाजारों में छठ सामग्री खरीदने में लगे रहे। पूरा शहर छठ माता की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री ने सोमवार को 3 छठ घाटों का उद्घाटन किया। इन नए छठ घाटों को अत्याधुनिक रूप से सजाया गया है जिसमें व्रतधारियों के लिए तमाम सुविधाएं दी गई है। बिरसानगर बारेडी तथा जैप 6 स्थित छठ घाटों को नया रूप दिया गया है। जहां बिरसानगर तथा बारेडी घाट को पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यहां लोगों के टहलने के लिए ट्रैक भी तैयार किए गए हैं। वहीं पार्क में बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी की गई है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर पहुंचकर तीनों घाटों का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन घाटों को जनता को सौंपते हुए कहा कि इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी अब क्षेत्र की जनता की है। सरकार अपने स्तर पर इन स्थलों को आधुनिक रूप दे चुकी है जिसमें न केवल छठ पर्व बल्कि आम तौर पर भी यहां बने पार्क का लोग रोजाना इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई बीमारी आपका बाधा को ठीक है, मौका मिलेगा 3 दिन योगा करेंगे, बच्चा को सिखाओ। दूसरा बात तो बन गया, सब खुशी है ना? यस। फिर बात 365 दिन ऐसी रहे, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है बात फिर से रहना बस्ती वाले? अभी डीसी साहब ने बताया ना आपको, हम लोग बना के आप दे दिया, इसकी देख रेख कौन कर रहा बस्ती वासी? जमशेदपुर जिला प्रशासन ने लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। घाटों की सफाई से लेकर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। घाटों पर शौचालय से लेकर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है।
लोक आस्था का महापर्व छठ जमशेदपुर में धूमधाम से मनाई जाती है। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जहां एक तरफ घाटों की सफाई पूरी कर ली गई है, वहीं सभी घाटों पर लाइट तथा शौचालय भी लगवाए गए हैं। नदी घाट की ओर जाने वाले सड़कों का समतलीकरण भी किया गया है ताकि किसी भी व्रतधारी को दिक्कत न हो। वहीं इस बार जमशेदपुर अक्षेत्र की तरफ से शहर में 3 नए छठ घाट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। जिले के उपायुक्त के अनुसार इन नए घाटों के बन जाने से व्रतधारियों को काफी सहूलियत होगी। वहीं सभी घाटों पर पुलिस बल तथा दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन द्वारा सभी छठ घाटों की साफ सफाई जन भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए पूर्ण कर ली गई है। विद्युत प्रकाश की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और छठ पूजा की आवश्यक तैयारियों में जो भी जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा था उसे सौ समय पूरा किया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 नए छठ घाटों का जो है वो उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। उम्मीद है कि इन छठ घाटों के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने की वजह से काफ़ी छठ व्रतियों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदा मिलेगा। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा विभिन्न छठ घाटों को आदर्श घाट का रूप दिया गया है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
भुयांडी स्थित पांडे घाट को आदर्श घाट के रूप में विकसित किया गया है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार के द्वारा रंग रोगन एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने कहा कि आदर्श छठ घाट को लेकर यह अभियान चलाया गया है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र का निर्माण किया जा रहा है, ताकि घाट की सुंदरता बरकरार रहे। वहीं जिसको एवं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के सफाई कर्मियों की मदद से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना न पड़े। जहां आकर्षक विद्युत सज्जा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी, वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। छठ घाट को हम लोग जहाँ तक हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत घाट हो, और अभी हम लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह से पूरा कैनात वगैरह घेर दिया जाएगा। काफ़ी काम हो रहा है, जुस्को की तरफ से भी काम हो रहा है, और जेनेसी के सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, और ये जितने आप पत्थर देख रहे हैं सब में पेंटिंग होगी। इसमें बाकायदा लिखा जाएगा स्वच्छता ही सेवा है, एक कदम स्वच्छता की ओर लोगो बनेगा, और तितली वगैरह बनेगी, पशु पंछियों को बनाया जाएगा। जहाँ तक किया जाएगा कि इसको जहाँ खूबसूरत बनाया जाए, अट्रैक्शन लगे कि मैंने छठ घाट है, और लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगेगा यहाँ पर, लाइट लूट का पूरा इंतजाम, स्वच्छता के लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। जमशेदपुर में छठ पर्व के मद्देनजर नदी घाटों का घेराव एवं उसकी बिक्री पहले अर्ध के पूर्व नदी घाटों पर नजर आई, जहां 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक स्थानीय युवकों के द्वारा घाटों की बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घाटों को कब्जा मुक्त किया। प्रत्येक वर्ष नदी घाट पर घाटों की बिक्री जोरों पर रहती है। ये घाट स्थानीय युवकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद इसे किसी व्यक्ति को 150 से लेकर 300 रुपए तक में बेच दिया जाता है। इस वर्ष भी नदी घाटों में घाटों का घेराव व बिक्री जोरों पर दिखी। स्थानियों के अनुसार बड़े दूर दूर से लोग आकर घाट यहाँ खरीदते हैं। वहीं दूसरी ओर इसकी सूचना मिलते ही पुलिस नदी घाटों पर पहुंची और घाट कब्जा कर रहे लोगों को खदेड़ा और कब्जा किए गए घाटों को कब्जा मुक्त किया। इस दौरान इनके द्वारा घाटों को घेरे गए बांस को हटा दिया गया। पुलिस के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लोग घाट में पूजा करेंगे, कोई भी पहले से घाट पर कब्जा नहीं जमा सकते। घाट है जहां पर छठ व्रती लोग छठ पूजा करेंगे, तो कुछ प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अवैध रूप से जो है कब्जा कर रहे हैं, उसी को देखकर हटाया गया है। और जो सर्वविदित है कि जो पहले आता है अपना घाट पर अपना पूजा करता है, वही नियम के आधार पर पूजा पाठ करें। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो, और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखे, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारेड़ी बस्ती में जमीन विवाद के कारण दो भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई एवं उनकी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना बारेड़ी बस्ती आजाद पथ की है। बताया जाता है कि दोनों भाई का जमीन बंटवारा कोर्ट के माध्यम से पूर्व में ही हो चुका था और छोटे भाई के द्वारा जमीन की चार दीवारी का कार्य करवाया जा रहा था। इस दौरान बड़े भाई राम नरेश सिंह ने छोटे भाई राम अवतार पर हमला बोल दिया। इस दौरान छोटे भाई की पत्नी ममता देवी भी बीच बचाव के लिए आगे आई, लेकिन बड़े भाई तथा उनके घर वालों ने मिलकर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसे दोनों पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। आनंद फानंद में दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुट गई है। झगड़ा हुआ वो जो ग्रिल जो है बन रहा है, माने वो लोग कोर्ट से रोक लगा हुआ है उस पर, तो ये लोग जबरदस्ती ग्रिल लगा रहा था, तो मेरा गाय का सेट गिर गया था। तो ये बोला था कि ये कर लो, अपना सेट बना लो, चार फीट पर यह है विवाद का है, कोर्ट का है, कोर्ट में है, उसके बाद तुम बाद में कर लेना। लेकिन जब हम करने लगे तो इसका राम नरेश सिंह का लड़का अमित कुमार मेरा पूरा दीवार गिरा दिया, अपना ग्रिल उखाड़ लिया और माथा पर वो मिस्त्री से छीन के हथौड़ी से मार दिया, और मेरी पत्नी है वही मारा, मतलब ये लोग तीन चार आदमी सब मिल के मारा। छठ पर्व के मद्देनजर जमशेदपुर शहर से बिहार के लिए खुलने वाली बसों में यात्रियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। सभी बसों के सीट फुल होने के बाद भी यात्री छत पर बैठकर सवारी करते नजर आ रहे हैं। शहर से छठ मनाने के लिए लोग अपने गांव बिहार जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इसी समय बसों तथा ट्रेनों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ दिखाई देती है। शहर से बिहार के लिए खुलने वाले सभी बसों के सीट इन दिनों फुल नजर आ रहे हैं। स्टैंड में पहुंचकर लोग अपने लिए बसों में सीट जुटाने के जुगत में नजर आ रहे हैं। यहां तक कि सीट फुल हो जाने के बाद भी यात्री मजबूरन बस की छत पर सवारी कर अपने गांव पहुंच रहे हैं। भीड़ जा रहा था, ऊपर सवारी जा रहा था, पूजा के लिए बहुत भीड़ था। आज सीट मिला था, और दो तीन दिन भीड़ चल रहा है, आज भी थोड़ा सा भीड़ है, कुछ कुछ सीट खाली है अभी। हाँ, शाम होते होते फुल हो जाएगा, हाँ उम्मीद है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें,
खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए बात, हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में छठ पर्व के मद्देनजर शहर के विभिन्न इलाकों में राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों के द्वारा फल तथा पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। गरीब तबके के लिए व्रतधारियों के मद्देनजर ये वितरण किया गया। मानगो खुदीराम बोस चौक पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता छठ पूजा समिति द्वारा व्रतधारियों के बीच निःशुल्क फल तथा पूजन सामग्री वितरित किए गए। यहां लगभग 3000 गरीब व्रतधारियों के बीच ये कार्यक्रम चलाया गया। आयोजकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष ये वितरण किया जाता है ताकि सामानों के अभाव में किसी व्रतधारी का व्रत न छूट जाए। वितरण हो रहा है छठ व्रतियों के लिए, जिसमें केला है, संतरा है, सेब है, पानी फल है, नारियल है, गागल है, और उसके साथ ही 300 सूप की व्यवस्था की गई थी, जो उसको भर के पूरा सूप का सामान हम लोग छठ व्रतियों को बांट रहे हैं। इनके द्वारा बांटा गया, ये वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मंच के द्वारा बांटा गया, हर वर्ष की भांति भी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास लोक समर्पण संस्था के बैनर तले शहर के विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिए। वहीं सीएम पुत्र ने बारीडी स्थित बाबोडी छठ घाट का श्रमदान किया और हाथों में झाड़ू लेकर घाटों की सफाई की। इधर ललित दास ने लगभग 200 जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन सामग्रियों का वितरण किया। आस्था के महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हमारी संस्था लोक समर्पण ने आज छठ मैया के भक्त और माताओं के बीच में छठ सामग्री जैसे फल, साड़ी, गेहूं, संतरा, पानी फल आदि आज हमारी संस्था ने वितरण किया। मैं आग्रह करूँगा जितने भी संस्था जमशेदपुर में हैं, इन गरीब के बीच में आकर छठ के शुभ अवसर पर कुछ कुछ योगदान करें, और साथ ही साथ जितने पूजा पाठ कर रहे हैं माता लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि जहाँ पूजा पाठ करें छठ घाट में अपने आस पास साफ सुथरा रखें। वहीं बारेड़ी स्थित हनुमान मंदिर के समीप कांग्रेसी नेता पीएन झा के द्वारा हर वर्ष अपनी पत्नी की याद में छठ व्रतधारी महिलाओं के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाता है, जहां सभी राजनीतिक दलों के लोग उपस्थित होकर इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। वहीं इस वर्ष भी पूजन सामग्रियों का वितरण 1000 महिलाओं के बीच किया गया, जहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा के नेताओं के द्वारा पूजन सामग्री का वितरण किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं बबलू झा अपने तमाम परिवार के साथ अपनी माता को श्रद्धांजलि देते हुए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम 1100 पूजन सामग्री के साथ श्रद्धालुओं को बांट रहे हैं, और हम आशा करते हैं उनके प्यार मोहब्बत से उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने 14 तारीख सुबह अर्घ में दूध, कच्चा दूध, चाय, बिस्किट, घुगनी बगैर लहसुन प्याज का इडली, पापड़ी, उनकी सेवा के लिए जो भी व्यवस्था रहेगा हम लोग करेंगे। जमशेदपुर में उर्दू दिवस के अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया। मानगो स्थित कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कार्यालय में मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन यानी उर्दू दिवस के अवसर पर गरीब बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष शाकर खान सहित कई लोग शामिल थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए शाकर खान ने कहा कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों को साकार करने के लिए गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास पाठ्य सामग्रियों का वितरण कर किया जा रहा है, ताकि उनके द्वारा देखे गए आजादी के सपने को साकार किया जा सके। अबुल कलाम आजाद का शिक्षा दिवस है, तो इसमें जो है 400 बच्चों को मैंने कॉपी किताब बांटी है, और मैं हर साल का इसमें मैं करता हूँ, और मैं हर दिवस जो है उनके लिए मनाएंगे, और हम लोग सब मिलकर दुआ करते हैं उनके लिए कि वो जो है अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, और जितना उन्होंने काम किया है और उसके लिए जो है हम लोग सब हमेशा मनाते रहे, हर साल हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए मनाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो,
तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।